हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर पंप द हर्ट, इसका मतलब है कि हर्ट जो है हम लोग का एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, पंप करने का काम करता है। द हर्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये मसल से बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी बोन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई बोनी कैविटी या बोनी कोई भी चीज़ बोन का नहीं है, ये पूरे मसल से बना हुआ है। तो इसलिए इसको कहते हैं हर्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। तो हम लोग का जितना बड़ा पाल्म होता है, हैंड का पाम होता है, उतना ही बड़ा हर्ट होता है। तो ये एक अप्रॉक्स साइज़ बताया है कि हर्ट हम लोग का लगभग उतने ही साइज़ का होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड, द हर्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो दोनों गैसेस आते हैं, तो दोनों गैसेस पंप होंगे हर्ट में, तो दोनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आए तो साथ में मिक्सअप ना हो जाए। तो अगर मिक्स हो जाएंगे तो उसे अलग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हर्ट में डिफरेंट 4 चैम्बर्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में कि डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड कि हार्ट में 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं और चैम्बर्स का क्या फंक्शन होता है। तो चैम्बर्स का फ्रेंड्स यही फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट करके रखता है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, देखिए अब आगे लिखा है द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड From the lungs has to be brought back to the heart। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले समझिए ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो ऑक्सीजन से भरपूर है, जो ऑक्सीजन से रिच है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसे डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे पहले लंग्स को सेंड करना होगा। तो लंग्स क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएगा और ऑक्सीजनेटेड बना के उसे सेंड करेगा हर्ट के पास और फिर वो हर्ट से होल बॉडी में ट्रैवल होगा। तो मतलब पहले कहने का मतलब है कि हर्ट पूरे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेगा, उसको लंग्स को सेंड करेगा, लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, फिर उसे अगेन हार्ट के नेक्स्ट दूसरे चैम्बर में सेंड करेगा और वहाँ से वो होल बॉडी में ट्रैवल होगा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है डबल सर्कुलेशन का जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे एक एक लाइन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक लाइन में बहुत सारी बातें हैं। अगर आप स्किप करिएगा वीडियोज़ को तो हो सकता है मेन पॉइंट्स आप छोड़ दीजिएगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आगे लिखा है दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ने अब दिया उसको हर्ट क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रैवल करवाएगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हर्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, आगे लिखा द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब वो इस ब्लड को ले लेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड। तो ये याद रखिएगा, अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम रिलैक्स होगा। तो ये मतलब वाइस वर्सा चलता रहेगा ये प्रोसेस, सो दैट द ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट। अब एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और सारा ब्लड पोर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में।
When the muscular left ventricle contracts in turn, the blood is pumped out to the body. और जब left ventricle contract करेगा तो वो पूरा pure blood जो है पूरे body में circulate होगा. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it expands. तो जब right atrium expand होगा तो उसका जो volume है, उसका जो surface area वो increase होगा और जितने भी body के गंदे खून है जिसमें carbon dioxide rich है, deoxygenated blood पूरे बॉडी में से कलेक्ट होगा वेना कावा के थ्रू और कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा. आगे लिखा एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करिस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स. तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा. दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. और अब ये जो गंदा खून है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको लंग्स के पास भेजा जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इन टू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स. अब ये मतलब वेंट्रिकल्स के बारे में बता रखा है. जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पास करना होता है तो इसलिए उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मोटे वॉल्स होते हैं देन द एट्रिया टू. और एट्रिया में क्या होते हैं, थिनर वॉल्स होते हैं. वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. इनका ये फंक्शन होता है कि वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, प्रिवेंट करता है. कहने का मतलब कि कोई ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो अगेन वो वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए, इसलिए वो उसको बचाता है, प्रिवेंट करने से रोकता है. तो ये फंक्शन होता है किसके, वॉल्स के. फ्रेंड्स मैं आपको एक हर्ट के डायग्राम से, रफ डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे डबल सर्कुलेशन होता है और कैसे चैम्बर्स का क्या क्या रोल है. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते, तो हम लोग की बॉडी में जो ब्लड आ रहा है जो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है. अब जब तक लंग्स उसको ऑक्सीजनेट नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता है, तब तक तो सारा ब्लड जो है वो मिक्सअप ही है. तो कहने का मतलब जितना भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहने का मतलब कि जितने भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच हैं वो सब आएगा और कहाँ पर पोर होगा, राइट ऑरिकल. ये कहाँ पर लेकर आएगा, देखिए उससे पहले फ्रेंड्स आप ये समझिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि हम लोग के बॉडी में दो वेना कावा होता है. देखिए एक जो वेना कावा होता है ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और एक वेना कावा होता है जो कि लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, इसे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब जितना भी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर एरिया, तो हम लोग, आपको तो पता है कि हम लोग का बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ऊपर वाले पार्ट जो चेस्ट कैविटी होता है या फिर डायफ्राम से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे थोरासिक पार्ट कहते हैं, और जो डायफ्राम से लोअर वाला पार्ट होता है उसे एब्डोमेन कहते हैं. तो एक ह्यूमन बॉडी थोरासिक और एब्डोमेन पार्ट से बना हुआ है, तो जितना भी थोरासिक पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी अपर एरिया का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कौन, ऊपर साइड वाला वेना कावा लेके आएगा यानी सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा. साइमल्टेनियसली उसी समय में एट द सेम टाइम जो भी नीचे वाला पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एब्डोमेन वाले पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे इन्फीरियर वेना कावा लेकर आएगा. ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगा और नीचे वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा लेकर आएगा, और वो दोनों वेना कावा एक साथ ला करके, ये देखिए ये सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा और यहाँ से नीचे वाला आएगा इन्फीरियर वेना कावा, और ये दोनों वेना कावा एक साथ ला करके कहाँ पोर करेगा ब्लड को, राइट ऑरिकल में पोर करेगा. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है. तो अब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऊपर वाले रीजन और नीचे वाले रीजन से सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ला करके राइट ऑरिकल में पोर करता है. फिर राइट ऑरिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा. राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, इसका कहने का मतलब है कि राइट वेंट्रिकल का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और राइट ऑरिकल से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पोर हो जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वल्व. अब इस वल्व का क्या फंक्शन है मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स,
कि ये वल्व बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, मतलब कि एक बार जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वो अगेन राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना जाए, इसे वो रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो मैंने बोला था राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो सारा ब्लड पोर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं, वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होगा और जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो सेमी ल्यूनर वॉल्स में जाना शुरू हो जाएगा और जाते 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 देखिए ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। मतलब अभी तो ये सारा ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से मैंने दिखा रखा है और जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, उसको रेड से मैंने दिखा रखा है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हुए वो लंग्स में गया और लंग्स में इसका प्योरिफिकेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा लंग्स और उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देगा और वहाँ से पल्मनरी वेन के थ्रू वो कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में पोर होगा। लेफ्ट ऑरिकल अभी रिलैक्स स्टेट में था तो सारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पोर हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा फ्रॉम हाई टू लो और यहाँ से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर हो जाएगा। और फिर बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स मिट्रल वाल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर अगेन ये क्या होगा, ब्लड सेमी ल्यूनर वॉल्स में जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है वो सेमी ल्यूनर वॉल्स, मतलब कि एरेटा से हो करके टू होल बॉडी जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ क्या होता है। तो मैंने बोला दो तरह का वेना कावा होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। कहने का मतलब जो सुपीरियर वेना कावा है वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, थोरासिक पार्ट का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा, वैसे ही एब्डोमिनल पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगा और दोनों एक ही साथ राइट ऑरिकल में पोर करेगा ब्लड को। और राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, सारा ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमी ल्यूनर वॉल्स जो है वो रिलैक्स करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो सेमी ल्यूनर वॉल्स से जाएगा लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में पोर किया जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से अगेन एक प्रेशर क्रिएट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से एरेटा से लेकर के होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये प्रोसेस है कैसे सर्कुलेशन होता है। तो आप देखिए एक हर्ट का चार चैम्बर है और एक ही समय में जो है दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग आर्टरी और वीन के बारे में क्या पढ़े हैं। हम लोग ये पढ़े हैं कि आर्टरी वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और वेन वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। बट एक एक्सेप्शन होता है, पल्मनरी वेन ऐसा वेन है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करेगा और पल्मनरी आर्टरी मात्र एक ऐसा आर्टरी है एक्सेप्शन में जो कि इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करेगा, कैरी करेगा। तो ये आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है ये हर्ट के बीच में हो रहा है और यहाँ से लंग्स, मतलब ये जो ब्लू पार्ट वाला जो सर्कुलेशन ये हर्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है और जो रेड पार्ट वाला जो सर्कुलेशन है वो हर्ट से लेकर के होल बॉडी तक का सर्कुलेशन है। तो देखिए सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन और एक को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो नाम से ही समझिए पल्मनरी का मतलब ही होता है लंग्स। तो ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है उसे पल्मनरी सर्कुलेशन कहेंगे, क्योंकि पल्मनरी से मतलब ही होता है लंग्स। और
ऐसा सर्कुलेशन जो कि हार्ट से लेकर के होल बॉडी तक हो रहा है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो आप इस पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और कोई भी डाउट्स होंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको बताऊँगी। मैं चाहती हूँ, मेरा एम है कि आप कॉन्सेप्ट समझें। रटना एक अलग चीज़ है, लोग तो स्कोर कर सकते हैं मार्क्स रट कर भी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट आप चीज़ों को समझें, जितना समझेंगे उतने डिटेल आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप कोई भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा अब बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके आपको समझा रही हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।